कांग्रेस की ओर से कोटा देहात में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर भानु प्रताप को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी कड़ी में आज देहात अध्यक्ष भानु प्रताप ने प्रेस वार्ता कर पार्टी द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरा किया जाएगा, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में सब मिलजुल कर काम करेंगे और राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ दुष्प्रचार करती है, इसलिए प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि जो विकास कांग्रेस ने किया है वैसा विकास कोई और नहीं कर सकता है। समय कम है, 4 महीने का समय बचा है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो उसमें मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि मैं वरिष्ठ जनों, जो वरिष्ठ कांग्रेस जो हमारे लीडर्स हैं उनका आशीर्वाद लूँ और जो नए ऊर्जावान युवा कार्यकर्ता उनको साथ लेके और संगठन में बड़े अच्छा तालमेल बैठा कर उनके साथ मैं काम करूँ। हमारा तो हम कार्यकर्ता हैं, हमारा काम है कि सबको साथ लेके चले और गुटबाजी कौन सी पार्टी बननी, सब जगह गुटबाजी, लेकिन मैं मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई किस तरह की गुटबाजी, कांग्रेस एक है और सब मिलके चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि जो हमारी वर्तमान सरकार उसने काफ़ी सारी अच्छी योजना लाए। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में देखो तो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के बिल की बात करें तो 80% लोगों के बिजली के बिल जीरो हो चुके हैं। काफ़ी सारी योजनाएं मैं बताता बताता थक जाऊँगा, लेकिन उन्हीं सब चीज़ों को हम चाहेंगे कि वो मतदान में वोटों में कन्वर्ट हो और कांग्रेस जीते, कांग्रेस के पक्ष में वोट करो। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।